दोस्तों, हम सब जीवन में अलग अलग हादसों से गुजरे हैं। जब हम हादसों को याद करते हैं, याद कीजिए बीते हादसों को, हम अक्सर हादसों को तारीख से याद करते हैं, है ना। जैसे मुझे याद है 2003 में मुझे बेटा हुआ, है राइट, है कि नहीं, है ना। तो हम लोग याद करते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग चीजें हुए, तो शायद किसी के लिए कुछ साल अहम होगा, किसी के लिए कुछ साल साधारण होगा। लेकिन 2020 के बारे में हम क्या कहें, 2020 तो सबके लिए एक तरह से खास ही है, है ना। इस साल की कहानियां हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे, हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, जब तक हम हैं हम 2020 की कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि साल ही कुछ ऐसा रहा है। नए नए शब्दों से हमारा पहचान हुआ है, चाहे वो पैंडेमिक है या सैनिटाइजिंग है या कोरोना है, नए नए शब्द हमें जान पड़े हैं। लेकिन कहानियां तो सबकी है, और जहां कहानियों की बात आती है मुझे परमेश्वर का वचन याद आता है। परमेश्वर के वचन में कई सारी कहानियां हैं, और ये कहानियां जो है ये एक मकसद से लिखी गई है। आमतौर पर जब कोई लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो उसका एक मकसद होता है, चाहे वो किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जानकारी देना चाहता है, या ज्ञान देना चाहता है, या मनोरंजन करना चाहता है। अगर आप पवित्र शास्त्र को देखें तो उसमें ज्ञान भी है, बहुत सारे मनोरंजक रोमांचक कहानियां भी है, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि हम उसके लेखक को जानें। यस दोस्तों, शास्त्र इसके लिए लिखा गया है क्योंकि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जानें, जो इस बाइबल का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें और उसके करीब आए। इसलिए हम एक आज ऐसी ही खूबसूरत कहानी को देखने वाले हैं जो योहन्ना के पुस्तक में है। शास्त्र में एक किताब है जिसका नाम है योहन्ना, और योहन्ना के 4 अध्याय में है। कहानी है उसके बारे में जिसका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो 2000 साल पहले की कहानी है। यीशु के साथ उसके कुछ साथी थे जिन्हें शिष्य कहा जाता है, और शिष्य और यीशु पूरे इज़राइल में, इज़राइल नगर में घूमते थे, परमेश्वर का वचन सिखाते थे और लोगों को स्वस्थ करते थे और अलग अलग कार्य करते थे। ऐसा यीशु ने कुछ 3-3.5 साल किए। कई बार यीशु ने चेलों को पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, और शिष्यों ने अलग अलग राय दी। लोगों की अलग अलग राय थी यीशु को लेकर। कुछ को लगता था कि वो नबी है जो परमेश्वर से सुनते हैं, भविष्यवक्ता जिसे कहते हैं। कुछ को लगता था वो बहुत अच्छे गुरु है, कुछ को लगता था वो बहुत नेक इंसान है, कुछ को ये भी लगता था कि नहीं, ये इंसान गड़बड़ वाला इंसान है, ये क्योंकि धर्म के हिसाब से नहीं चलता था, तो धर्म शास्त्री जो थे वो उसके विरुद्ध थे। लेकिन एक चीज तय था, यीशु की कहानियों से हमें यीशु कौन है ये पता चलता है। एक प्रकाशन सा हमें मिलता है, हमें एहसास होता है, अच्छा ये है यीशु, है ना। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। यीशु इज़राइल नगर से, एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हैं, लेकिन जाने के दौरान उन्हें एक दूसरे देश से गुजर कर जाना था, और इस देश का नाम है समेरिया। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, समेरिया और इज़राइल ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। हैरान की बात तो ये है कि यीशु के जन्म के 700 साल पहले ये दोनों देश एक थे, लेकिन फिर कुछ हादसे हुए जिसके द्वारा बंटवारा हुआ। हम बंटवारे के बारे में समझते हैं, है कि नहीं, है ना, हमारे देश का भी बंटवारा हुआ है। और फिर जिस देश के साथ बंटवारा हुआ उसके साथ झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने जंग भी लड़े, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो जंग लड़े, और एक बड़ा तनाव सा माहौल उनके बीच में बना हुआ था। तो एक यहूदी एक सामरी से नफरत करता, यहूदी वो लोग है जो इज़राइल में रहते हैं, और सामरी यहूदी से नफरत करता था। दोनों की अलग अलग प्रथाएं थे, विश्वास थे। जो यहूदी थे वो मानते थे कि इब्राहिम, जो पुराने करार में एक किरदार है बाइबल में, और वो मानते थे कि ये हमारा पिता है, जिसे हम कहते हैं ना गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन है, वैसे। तो ये लोग मानते थे इब्राहिम हमारा है, और सामरी लोग मानते थे जेकब हमारा है, याकूब हमारा है। ठीक है, तो ऐसे में ये आपको मैंने थोड़ा पृष्ठभूमि, थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया है। अब यीशु को इज़राइल से
सामरी से होके गुजरना है। तो जैसे वो चलते चलते जाते हैं, लंबा सफर है, यीशु और चेले सब थक गए हैं, दोपहर का वक्त है, कड़क धूप है, और वहां पर एक कुआ होता है। अब कुएं को गौर से सुनिए, क्योंकि कुआ हमारे कहानी के लिए आज बहुत जरूरी है। वहां पर एक कुआ है जहां पर यीशु आकर बैठ जाते हैं, और फिर चेले सोचते हैं जाकर के कुछ खाना लेके आते हैं। तो वो यीशु से कहते हैं, हम सब जाते हैं पास के गांव में और कुछ खाना वगैरह खरीद कर लौट कर आते हैं। यीशु कहता है ठीक है। अब यीशु उस कुएं के पास बैठे हैं, ऐसे में वहां पे एक स्त्री आती है। वो स्त्री सामरी स्त्री है। अब 2000 साल पहले की बात है दोस्तों। यहां पर आम तौर पर स्त्री और पुरुष खासकर पब्लिकली सबके आम सरेआम बात नहीं करते थे, एक दूरी बनाए रखते थे। और वो तो स्त्री और पुरुष ही नहीं, अब तो ये यहूदी पुरुष और सामरी स्त्री है। तो जैसे ही वो सामरी स्त्री अपने बर्तनों को और मटकों को लेकर कुएं के पास आती है, वो देखती है कि हाँ, यहां पर तो एक यहूदी पुरुष बैठा हुआ है। तो शायद उसने नजरें चुराई होगी, अपना जो बाल्टी है उसे कुएं में डाला और पानी निकालने लगती है और अपने बर्तनों को भरने लगती है। ऐसे में यीशु उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, नारी स्त्री, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मैं प्यासा हूं, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? वो स्त्री हैरान हो जाती है कि ये पुरुष होकर स्त्री से बात कर रहा है, ऊपर से ये यहूदी होकर सामरी से बात कर रहा है। तो वो फट से उसे कहती है, आप तो यहूदी है, आप हमारा पानी कहां पियेंगे? आप हमसे कैसे पानी मांग सकते हैं? क्या आप हमारे हाथ से पानी पियेंगे? यीशु का जवाब बहुत दिलचस्प है। यीशु उससे कहता है, अगर तू परमेश्वर के तोहफे को जानती और ये जानती कि कौन तुझे पानी पूछ रहा है, तो तू उससे पानी पूछती और वो तुझे पानी देता, जिससे कि तुझे कभी भी प्यास ना लगे। अब ये सी स्त्री सोचती, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? पहले पानी मांग रहा है, फिर कह रहा है तुम मुझसे पानी मांगो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो वो फिर सर चढ़कर बोलती है, आपके पास तो कुछ बर्तन भी नहीं है, आप कहां से पानी निकालोगे? फिर कहती है कि ये कुआ जो है ये हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी जो थे याकूब, उन्होंने दिया है अपने बेटे यूसुफ को। अपना इतिहास अच्छे से जानती है और कहती है कि तो अब बताइए आप। मैं चाहता हूं यीशु का जवाब आप सुने। वो यीशु से कहती है, आप याकूब से तो बढ़कर नहीं है ना, है ना, हमारे याकूब ऐसे थे वैसे थे। अब देखिए यीशु का जवाब, योहन्ना 4:13-14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। योहन्ना 4:13-14 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या खूबसूरत बात यीशु ने कही। और फिर आगे जाकर इस वचन पर हम लौट कर आते हैं, लेकिन आगे जाकर वो स्त्री कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह आप क्या बोल रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मसीहा आएगा, उसका वो आएगा जिसका वादा खुद परमेश्वर ने किया है, तब वो हमें समझाएगा। और यीशु उससे कहता है, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ही मसीहा हूं। ये एक पहली ऐसी व्यक्ति थी, इंसान, जिसे यीशु ने प्रकट किया कि वो कौन है। कहता है, मैं वो मसीहा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। बहुत खूबसूरत बात है। और फिर वो यकीन करती है यीशु पर, वो भरोसा करती है कि हाँ, क्योंकि यीशु उसे अपने जीवन के, उसके जीवन के गहरी बातें बताता है। वो लौट कर जाती है गांव में, ढिंढोरा पीटती है, कहती है, सुनो, मैं किसी से मिलके आई हूं और मुझे यकीन है वो मसीहा है। और लोग बोलते, अच्छा आइए, आते हैं, देखते हैं। और लोग आते हैं, लोग यीशु से मिलते हैं, और फिर लोगों की ये गवाही है। वो स्त्री से कहते हैं, हमने सुना था तुमसे, लेकिन अब क्योंकि हमने आंखों से देखा है, हमें यकीन हो गया है कि यीशु ही मसीहा है।
बहुत खूबसूरत कहानी है दोस्तों, कहानी के अलग अलग पहलू है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन आज हम इस एक वचन पे गौर करेंगे। देखिए यीशु ने क्या जवाब दिया। यीशु ने कहा, देखो अगर तुम इस कुएं से पियोगे पानी तो तुम्हें दोबारा प्यास लगेगा। अब ये तो जाहिर सी बात है, वो औरत सोची होगी बिल्कुल, इंसान पानी पीता है तो उसे फिर कुछ समय के बाद प्यास तो लगता है, हम ऊंट तो नहीं है कि पानी जमा करके रखे पेट के अंदर, है ना, पानी पीते हैं फिर दोबारा प्यास लगता है, दोबारा पानी पीते हैं। लेकिन यीशु उससे कुछ गहरी आत्मिक बातें कर रहा है। यीशु उससे कहता है, अगर तुम मुझसे पानी पियोगे, फर्ज करो कि यीशु एक कुआ है और अगर तुम इस कुएं से पानी पियोगे तो तुम्हें दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगा। और वो कहती है, ये पानी मुझे चाहिए। दोस्तों यीशु वो कुआ है जिससे अगर हम पिए तो हमें दोबारा प्यास नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है यीशु? हम अक्सर अपनी प्यास बुझाने के लिए, जिंदगी की जो प्यास है उसे बुझाने के लिए हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कभी कभी हम रिश्तों को जाते हैं कि ये रिश्ता मेरी प्यास बुझाए। कभी कभी हम कुछ चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ आदतों में गिर जाते हैं कि ये मेरे अकेलेपन को दूर करेगा। कभी कभी हम, आजकल लोग, कई युवा जो है वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कि मैं अकेला हूं, सोशल मीडिया से मुझे तारीफ मिलेगी, सोशल मीडिया से मुझे पहचान मिलेगा, है ना। लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। कोई इंसान है जो अपने आप को अपने काम में डुबा देता है ताकि काम से मुझे इज्जत और शोहरत मिले। हम अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं कि हमारी प्यास को कौन बुझाएगा। हर इंसान की अलग प्यास है और वो सोचता है कौन मेरे प्यास को बुझाएगा। लेकिन दोस्तों यीशु मसीह कहता है कि आप इसमें से किसी भी कुएं के पास जाएंगे तो ये आपके प्यास को नहीं बुझा सकता। इंसान को जब डर लगता है तो वो अलग अलग जतन करता है, कोशिश करता है, वो भी अपने आप में एक प्यास है कि मेरे डर को कौन बुझाएगा, कौन हटाएगा। लेकिन यीशु कहता है, मैं वो कुआं हूं जो तुम्हारे हर प्यास को मिटा सकता हूं। दोस्तों हालेलुया, यीशु वो वेल है, वेल जो उसके अलावा हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही इज द वेल एंड ही इज ऑल वी नीड। इसका मतलब है वो कुआ है और उसके अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। आपने ये गाना तो सुना होगा, ऑल इज वेल, है ना, कुछ साल पहले आया था और हर एक जुबान पर था, ऑल इज वेल। दोस्तों मैं कहूं वेल इज ऑल, इसका मतलब है यीशु वो वेल है एंड ही इज ऑल दैट वी नीड। वो कुआ है जो परमेश्वर ने खुद हमारे लिए भेजा है। मैंने ऐसे सुना है कि विदेश में कई सारे ऐसे कुएं होते हैं, लोगों का मानना है, जहां पर वो सिक्का फेंकते हैं और कुछ दुआ मांगते हैं ताकि उनकी दुआ पूरी हो जाए, उसे विशिंग वेल कहते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों यीशु वो कुआ नहीं है। यीशु में सिक्का डालकर हमें चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है, यीशु से हम मांग सकते हैं। आमेन। यीशु आया है हमें एक नया जीवन देने के लिए। दोस्तों शास्त्र कहता है कि इंसान पापी था, इंसान पाप में डूबा हुआ था, और क्योंकि हमने पाप किया है हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ टूट गया है। अब हमने बहुत कोशिश की कि हम इस रिश्ते को बेहतर बनाएं, हम परमेश्वर के करीब आए, तो इंसान ने धर्म से कोशिश की, भले कामों से कोशिश की, अलग अलग शरीर को तकलीफ देकर, पीट कर वगैरह, कि किसी तरह हम अपने आप को सिद्ध और सही साबित करें। लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर किया है। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इंसान बनाकर हमारे बीच में भेजा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और क्यों आया वो? वो आया ताकि हमें बताए कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उतना ही नहीं, वो सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया, वो जान देने आया। दोस्तों यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए हमारे पापों के खातिर। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने लहू बहाया ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके। वो क्रूस पर मरे, उन्हें गाड़ा गया, लेकिन शास्त्र कहता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने देखा कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। कई लोगों ने यीशु को पुनरुत्थान में देखा, यानी कि मरने के बाद जिंदा हो गए। आज जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं उसे सिर्फ याद नहीं कर रहे, उसके साथ मना रहे।
आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं दोस्तों। हालेलुया, खुशी की बात है। अब देखिए, अक्सर ये हिंदी में एक कहावत होती है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा है उसे कुएं के पास आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यीशु मसीह वो कुआ है जो हम प्यासों के पास आया है। आज आपको किसी ना किसी ने बुलाया होगा। आप जानते हैं क्यों बुलाया है? इसलिए कि आप भी इस कुएं से पी सके। ये पानी मुफ्त है। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा मार्ग है, वो हमारा रास्ता है परमेश्वर की ओर जाने का। अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता दोबारा बनाना है और सुलह करना है परमेश्वर के साथ, तो सिर्फ यीशु ही वो मार्ग है। यीशु ने खुद कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अंत करूं, मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूं कि आज आप भी यीशु मसीह में विश्वास कर सकते हैं, उस कुएं से आप पी सकते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। और अगर आप यीशु में विश्वास करना चाहते हैं तो अंत में मैं एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे उसे मन में दोहरा सकते हैं, ठीक है? स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, इस अनमोल तोहफे के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे हृदय को खोला और हमने यीशु मसीह को अपनाया। धन्यवाद यीशु कि आप आए इस पृथ्वी पर, आपने अपनी जान दी हमारे खातिर ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, ताकि हमारा दोबारा एक रिश्ता आपके साथ हो जाए, ताकि हम अनंत काल का जीवन आपके साथ बिताए। हमने देखा है ये साल कितना नाजुक रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में कुछ ही पलों का फासला है। प्रभु, तू आया है हमें नई जिंदगी देने के लिए, बहुतायत की जिंदगी देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए हम तुझ पर विश्वास करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई है जो इस समय यीशु को ग्रहण करना चाहता है, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैंने आपका संदेश सुना है। मैं कबूल करता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपना विश्वास आपके ऊपर डालता हूं। मेरे पाप क्षमा कीजिए और मुझे नया जीवन दीजिए। आपके आत्मा को मैं अपने जीवन में आमंत्रण करता हूं। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा और आपके अनंत काल के जीवन का तोहफा भी मैं ग्रहण करता हूं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। आमेन का मतलब है मैं सहमत हूं। दोस्तों, अगर आप किसी कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मसीहा चर्च का भाग बन सकते हैं। अब फिलहाल जब तक के मामला ठीक नहीं हो जाए, हम ऑनलाइन मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। परमेश्वर की ढेर सारी आशीष आप पर हो और आपका आने वाला साल 2021 खूबसूरत गुजरे। प्रभु आपको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू।